दीपिका सारा श्रद्धा रकुल सभी ड्रग केस में फंसी। इन सभी पर एनसीबी का शिकंजा। जब्त हुए बड़ी एक्ट्रेस के फोन। जवाबों से संतुष्ट नहीं है एनसीबी। फोन के जरिए जुटाए जाएंगे सबूत। सुशांत सिंह राजपूत केस में जब से ड्रग एंगल सामने आया है, मानो तब से बॉलीवुड को ग्रहण ही लग गया है। इस केस में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज घसीटे जा रहे हैं। एनसीबी ने मामले की गहराई को देखते हुए जांच और तेज कर दी है। एनसीबी ने बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत शामिल है। वह इन सभी के फोन एनसीबी ने जब्त कर लिए हैं। जी हां, बीते दिन दीपिका पादुकोण से पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि दीपिका पूछताछ के दौरान कई बार रो भी पड़ी। तो वहीं अभिनेता सैफ अली खान की बेटी अभिनेत्री सारा अली खान भी कई बार मायूस हुई। दरअसल एनसीबी ने ड्रग्स मामले से जुड़े सबूत जुटाने के लिए इन सभी के मोबाइल फोनों को जब्त कर लिया है। एनसीबी ने इन अभिनेत्रियों के पुराने फोन भी मंगाए हैं। एनसीबी ने साल 2017 साल 2018 में सारा द्वारा इस्तेमाल किया गया फोन भी जांच के लिए मांगा था, लेकिन सारा वो उपलब्ध नहीं करा पाई। वहीं एनसीबी ने पूछताछ की प्रक्रिया में कुछ शंकाओं के चलते दीपिका की मैनेजर करिश्मा जया शाह, रकुल प्रीत सिमोन खंबाटा का भी फोन जब्त कर लिया है। बता दें कि ये सभी एक्ट्रेस ने खुद के ड्रग्स लेने की बात से मना कर दिया है, लेकिन एनसीबी को ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं फोन रिकॉर्ड में ड्रग्स से रिलेटेड चैट वायरल हो रही है, इसीलिए सभी के फोन जब्त किए गए हैं। अब एनसीबी इन फोनों के जरिए इस मामले में सुराग तलाशेगी। बता दें एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपिका, श्रद्धा और सारा अली खान को अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। सूत्रों का कहना है कि सभी ने ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया है, लेकिन दीपिका ने व्हाट्सएप चैट में हैश के जिक्र पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। बता दें सुशांत केस में आए ड्रग एंगल के बाद इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती जेल में है। वहीं रिया का भाई शोविक, सुशांत का हाउस स्टाफ सैमुअल मिरांडा, कुक दीपेश सावंत सभी पुलिस हिरासत में हैं। इसके अलावा इस केस में अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं रिया चक्रवर्ती ने ड्रग एंगल में 25 बॉलीवुड सितारों के नाम उजागर किए थे, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।